हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ सिक्किम सीरीज। अगर फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, अपलोड हो चुका है फर्स्ट एपिसोड। एंड अगर आप वीडियो थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो सारी जो है ना एपिसोड अपलोड हो चुकी है। सारा एपिसोड भाई बिल्कुल से बिल्कुल देखना। एंड जो कि है ना भाई, आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं हो क्योंकि ना मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है सिक्किम सीरीज़ का, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सारा जो एपिसोड है ना मिल जाएगा। एंड अभी जो है ना आज डे टू है, तो हम लोग जा रहे हैं भाई देवघर से लेके सिक्किम तक, जो कि अराउंड 550 किलोमीटर्स है। तो आज जो है ना हम लोग सुबह निकल चुके हैं 6:30 बजे। डे टू है एंड वी आर रेडी। अभी अराउंड 6 o'clock हो रहा है, तो जल्दी से निकलते हैं, आज लेट नहीं करना है। एंड आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी पहुंचना है आज, हो ऐसा करता हूँ रोड ना ख़राब हो, बाकी देखते हैं। तो चलो सीधा बाइक पे पार्किंग है भाई, और कोई जगह नहीं था बाइक पार्क करने का, ओस गिरा हुआ है। चलो लेके निकलते हैं। हम लोग जो है ना वो निकल पड़े हैं। एंड अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 6:30 हो रहा है। बाइक का जो है ना फ्यूल एकदम पूरा प्रॉपर ख़त्म हो चुका था, ट्रिप एफ पे आ चुका था, अराउंड 10-20 किलोमीटर चल चुका था ट्रिप एफ पे। तो हम लोग ना पेट्रोल डलवाने के लिए गए, तो वहाँ पे ना भैया जो थे वो मतलब पेट्रोल किसी में डाले हुए थे मतलब बाइक में, तो उसको ना भाई मीटर को 0-0 नहीं किए थे। एंड मेरा जो GoPro है ना वो भी वहाँ पे चालू नहीं था, बट उनको लगा कि ना मेरा जो GoPro है ना वो स्टार्ट है, तो वो भी ना डर के मारे एकदम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं हम लोग डाल देते। तो वो ना 50 का डाले हुए थे, उसके बाद ना वो मतलब मेरे में जब डाले तो 500 का जब डल चुका था पेट्रोल, तो वो और 50 rupees का और डाल दिए। तो जो इस तरह से है ना, इसलिए मैं भरोसा वगैरह नहीं करता ज़्यादा जब मैं पेट्रोल डलाने जाता हूँ। आप लोग भी जब पेट्रोल डलाते हो ना ध्यान रखा करो कि कितने का पेट्रोल डाल रहे हैं, वो 0-0 हो रहा है कि नहीं, अराउंड रिसेट करके ही डाल रहे हैं कि नहीं पेट्रोल। तो ये सब जो है ना भाई दिक्कतें होती रहती है रास्ते में, तो इसलिए ना थोड़ा भरोसा करना ना भाई, मतलब भरोसा करने में डर ही लगता है। जो भी हो, दिन की शुरुआत ना भाई बहुत ही अच्छे से हुई है। एक आध कुछ कुछ तो भाई ऐसे स्टोरी वगैरह जो है ना होते रहता है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैं भी नहीं ले रहा टेंशन। तो चलते हैं। एंड मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड थोड़ा सा गर्मी लग रहा था ना, तो मैं ग्लव्स को ना नहीं पहनाऊँ, बट थोड़ा सा ना अभी निकलने के बाद मतलब, क्योंकि जब मैं सामान वगैरह पैक कर रहा था ना तब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मैं ग्लव्स को निकाल दिया था, बट अभी तो ठंडी है थोड़ा सा लग रहा है। धूप भी ना बहुत ही अच्छा निकला हुआ है एकदम ना, मतलब व्यू वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि साइड साइड में जो है ना पेड़ है, एंड मतलब प्रॉपर एकदम गुड मॉर्निंग वाली वाइब आ रही है। अराउंड 7 o'clock हो चुके हैं, 22 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड आज थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ना ऐसा है कि ना आज शाम तक तो है जो है ना सिक्किम जो है ना पहुंच जाएंगे, इसीलिए ना थोड़ा एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो गया, पहले ही ना अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले ही ना मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा था, पूरा सनराइज़ वगैरह हो रहा था, पूरा प्रॉपर आसमान जो है ना साफ था। एंड अचानक से अभी पता नहीं कहाँ से जो फॉग है ना वो आ गया, एंड पूरा GoPro में ना पूरा एकदम पानी पानी हो जा रहा है। ज़्यादा है ना कि मैं GoPro को ना अंदर ही रख दी हूँ, क्योंकि ना एकदम पूरा पानी भर जा रहा है भाई। एंड जब धूप निकलेगा ना तो फॉग हट जाएगा, तो फिर से उसके बाद तब उस टाइम पे फिर लगाता हूँ GoPro को। GoPro को जो है ना मैं वापस से माउंट कर लिया हूँ, क्योंकि जो मतलब फॉग था वो पूरा हट चुका है, एंड रोड भी अब एकदम साफ़ हो गया है। पहले थोड़ा सा ना क्या दिख नहीं रहा था रास्ते में एकदम ना, मतलब अराउंड 10-15 मीटर के बाद ना कुछ एकदम नज़र नहीं आ रहा था, एंड पूरा फॉग हो जा रहा था, इसलिए ना मैं GoPro को जो है ना अंदर रख दिया था, बट अभी जो है ना वापस GoPro को लगा दिया, एंड पूरा भी पूरा GoPro से फुटेज मिलते रहेगा आपको। तो अभी ना एक जगह बीच में ना पता नहीं, यहाँ पे बिहार में शायद ना बच्चे लोग सब कीचड़ फेंक रहे हैं, अराउंड आज 24 तारीख है मार्च का, तो यहाँ पे ना आई थिंक ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पे कीचड़ से होली खेलते हैं, तो फिर एकदम ना कीचड़ वगैरह मार दिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। देख सकते हो रोड में पूरा ना बच्चे बच्चे लोग हैं कीचड़ से होली खेल रहे, तो भाई एकदम बहुत ही मेरे को गंदा लगा ये चीज़, मतलब रास्ते में जब जाओ ना तो ऐसा कीचड़ नहीं मारना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ये बच्चे लोग एकदम कीचड़ फेंकने के लिए थे, एंड ये देखो भाई ये कैमरा में पड़ा कीचड़ है, जो इसका जो माइक का जो एडाप्टर है ना यहीं से जो मेरा ख़राब हुआ है, इसलिए मेरे को पूरा वीडियो जो है ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी अराउंड 8 बज रहे हैं, एंड इन लोग सब ना कीचड़ से होली खेलना चालू किए, एंड पूरा प्रॉपर कीचड़ वीचड़ एकदम मार दिए भाई। अभी ये बच्चे लोग ना देखे होंगे कैसे एकदम कीचड़ मारे हैं भाई, इतने लोग कीचड़ मारे, पूरा सब गंदा हो गया था भाई, GoPro तक मुड़ गया था, उसका जो माइक वाला कनेक्टर है पता नहीं माइक जो है वो काम करेगा कि नहीं, बट ये देखो भाई मतलब मैं तो बहुत सारा साफ कर दिया हूँ, एंड भी भाई बहुत ज़्यादा मैं GoPro को भी निकाल के रखा, जब तक भाई बिहार को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक मैं नहीं लगाऊंगा हेलमेट पे, वरना क्या पता भाई टूट भी जाए। देखो भाई पूरा यहाँ
पूरा कीचड़ छिटका दिए थे भाई एकदम बहुत ही गंदे से। इसको जाऊंगा वहां जाके एक बार वॉश करूंगा, हो सकता है कल नहीं पहन के निकलूँ, कल जैकेट नॉर्मल वाला पहन के निकलूँ। बट भाई जब तक बिहार क्रॉस नहीं होता ना मैं गोपरों को नहीं लगाऊंगा, एंड जल्दी से जल्दी यहां से निकलने की कोशिश करता हूं ताकि भाई और तमाशा ना हो भाई। और एकदम दिमाग ख़राब हो गया भाई। 198 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 10:30 बज गए, थोड़ा आने में ना लेट हो जा रहा था। बीच में ना ये जो भाई लोग को देख रहे हो ये लोग पूरा प्रॉपर कीचड़ वगैरह से होली खेले हुए थे, तो इन लोग ना ट्रक को धो रहे थे, तो मैं घुमा के ना गाड़ी को लेके आया एंड मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब देख सके दिखे होगा ना वीडियो में कैसा मैं एकदम गंदा सा था, क्योंकि ना पूरा प्रॉपर कीचड़ वगैरह गोबर वगैरह भी मारे हुए थे एकदम से। तो मैं ना आके ना यहाँ पे भाई लोग को बोला कि भाई धो दो गाड़ी, इनको पूरा स्टोरी बताया ऐसा ऐसा हुआ करके। तो इनको भी ना थोड़ा सा मतलब ऐसा बुरा लगा, इनको थोड़ा मैं समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए हाईवे वगैरह में जब गाड़ी को चलाए तो ऐसा मतलब कीचड़ नहीं मारना चाहिए। तो इन लोग भी ना थोड़ा समझे एंड बोले कि ठीक है हम लोग धो देते हैं। ये लोग पूरा प्रॉपर राइडिंग जैकेट वगैरह को भी धो दे रहे हैं। तो ऐसा है ना 200 किलोमीटर चल चुके हैं एंड 300 किलोमीटर बचा हुआ है, एंड अभी सुबह से कुछ नहीं खाए थे एंड अभी बज रहे दोपहर का 12, तो यहाँ पे रुके हुए हैं चैंपियन चंपारण मीट हाउस। तो यहाँ पे अभी चिकन एंड चावल खाएंगे, तो ये कुछ दिए हैं चिकन एंड चावल। 219 किलोमीटर हुए हैं लगभग ना थोड़े देर बाद, मतलब 70-80 किलोमीटर बाद बिहार ख़त्म होने वाला है। बट अभी क्या है ना सब लोग बंद कर दिए हैं कीचड़ उचड़ से खेलना, तो मैं बोला अब लगा लेता हूँ गोप्रो को। और वैसे भी ना अभी 73 किलोमीटर तक हाईवे, तो हाईवे में मोस्टली ना कोई मतलब गाँव वाले तो रहता नहीं है। बाकी तो लंच हो गया जैसे कि आप देखे, एंड अब निकलते हैं सीधा, अब नहीं रुकेंगे, अब सीधा जाके मंगान में ही रुकेंगे। बीच में अगर कुछ ऐसा रहा मोटो मतलब कुछ दिक्कत हुआ तो ही रुकेंगे। राइडिंग जैकेट उसको भी मैं धो दिया हूँ, तो इधर पीछे सूख रहा है। अराउंड 250 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 12:30 हो गए। अभी जो और 200 किलोमीटर गाड़ी को चलाएंगे ना उसमें ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं रखूँगा, छोटा छोटा करके कट कर दूंगा, क्योंकि पूरा खाली रोड ही रोड है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। पीछे जो है ना वेस्ट बंगाल का बॉर्डर स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग वेस्ट बंगाल घुस चुके हैं। एंड अभी जो है ना राइडिंग जैकेट भी जो है ना मेरा सूख चुका था, तो मैं राइडिंग जैकेट को पहन लिया हूँ। और टाइम जो हो रहा है ना अभी बज रहे हैं 2, थोड़ी ही देर में ना 350 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि ना वहाँ पे भी थोड़ा सा लेट हो ही गया था हम लोग, जब हम लोग वहाँ बाइक धुलवा रहे थे तो 1 घंटा हम लोग वैसे भी पीछे ही चल रहे हैं। 350 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 206 किलोमीटर और बचा हुआ है। एक तो ना एक गूगल मैप, जब भी आप कहीं भी जाना होगा डेस्टिनेशन डालते हो एंड जब आप बाइक का उसमें मतलब चूज़ करते हो ना लोकेशन, तो कहीं भी ना शॉर्टकट वगैरह से घुसा देता है। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि आप कार का डालो, क्योंकि जब कार का जब लोकेशन डालोगे ना तो एकदम वो सही सही रूट से एकदम लेके जाता है, इधर उधर से नहीं लेके जाता है। तो रुकते हैं थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं भाई। और 200 किलोमीटर और बचा हुआ है, रोड भाई बहुत ज़बरदस्त है, व्यू भी एकदम मस्त मस्त होना चालू हो गया, एकदम व्यू बहुत जोरदार है यार। अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं 300 किलोमीटर, जैकेट को तो धो दिए हैं बट पैंट तो मैं वहीं जाके चेंज करूँगा एंड रात को धोऊँगा। देख सकते हो पूरा पैंट जो है ना ख़राब हो चुका है भाई, पता नहीं। एंड एक गाल भी ना भाई, एकदम हेलमेट पहन रहे थे ना ऐसे दबे रह रहे थे। चलो चला जाए। अभी थोड़ी दूर में जो है ना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आने वाला है, जैसे ही दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हम क्रॉस करेंगे ना उसके बाद पड़ेगा सिलीगुड़ी, देन सिलीगुड़ी के पास जो है ना शिवोक वाली रोड आती है, शिवोक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका पड़ेगा रोंगपो, रोंगपो के बाद जो है ना मंगान पड़ेगा। तो अभी वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, एंड अभी जो है ना थोड़ी दूर पहले ही ना ये जो देख सकते हो दार्जिलिंग का चेकपोस्ट जो है ना यहाँ क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। एंड जैसे ही दार्जिलिंग आप घुसोगे ना आपको छोटे छोटे जो है ना चाय के खेत दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्योंकि चाय की कभी जब भी देखोगे आप फर्स्ट टाइम देखोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो चाय की खेती है ना आपका दार्जिलिंग में ही होती है।
एंड बहुत लोग जो है ना उसको एकदम अपने घर के पीछे बहुत ही छोटे स्केल में भी उगाए हुए हैं, एंड बड़े बड़े खेतों में भी जो है ना, मतलब बड़े बड़े लैंड में भी ना पूरे आपको चाय की मैक्सिमम खेती दिखेगी। देखो दूर दूर तक आपको कोई भी पेड़ नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा लेकिन उतना वो प्रॉपर एकदम पेड़ लगाए वाले पेड़ नहीं है, जो नेचुरल उग गए। बाकी मैक्सिमम जो जगह जो है ना आपको चाय ही चाय दिखेगा, चाय की पत्तियाँ ही दिखेगी। तो एक जगह रुकते हैं एंड ना थोड़ा चाय के पत्ती को छू के देखते हैं। तो भाई देखो भाई ये है चाय की खेती, बन है भाई चाय है चाय। एक बार रोकता हूँ मैं, बड़ा सिनेमैटिक देखना। देखो भाई क्या गजब दिख रहा है। बहुत जबरदस्त यार, बहुत सुकून है एकदम भाई। काम करता हूँ दोस्त, पत्ता तोड़ के ही लाता हूँ। तो भाई वापस से निकल पड़े हैं एंड जिधर भी देखोगे ना चाय ही चाय दिखेगा, चाय की पत्तियाँ ही दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा जितना देर तक आप दार्जिलिंग में रहोगे। तो मज़े लेते रहो अभी, एंड जैसे ही आप सिटी वगैरह में घुसोगे ना तो आप एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जैसे ही ना मतलब ट्रैफिक लाइट वगैरह आते हैं ना तो उससे थोड़ा सा ना दूर खड़े होने की कोशिश करना। आपका गाड़ी का देखो सब कुछ पेपर वगैरह ओके हो गया मैं मानता हूँ, एंड आपका गाड़ी मतलब लाइसेंस वाइसेंस सब ओके हो गया, बट फिर भी ना क्या करना, जैसे ट्रैफिक लाइट वगैरह रेड होता है ना तो कोशिश करना थोड़ा सा ना दो तीन गाड़ी के पीछे ही खड़े हो, क्योंकि ना भाई कोई भरोसा नहीं है कि पुलिस वाले लोग मतलब किस इंटेंशन में रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ में वो टोक सकते हैं, किसी भी चीज़ में वो अपना ना फाइन वगैरह बना सकते हैं। बट देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा दूर खड़े रहने की कोशिश करो, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उस टाइम आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए ना कोशिश करना कि थोड़ा दूर खड़े रहने का। यहाँ पे ना कोई नर्सरी वाली छोटी सी मार्केट है तो यहाँ से पेड़ वगैरह लोग खरीद रहे हैं, एंड मेरा जो गाड़ी है ना वो थोड़ा सा आवाज़ सा कर रहा है, मेरे को जितना लग रहा है ना कि चेन का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि ना बहुत टाइम से अभी देखो गाड़ी चला के हैं इतना ज़्यादा किलोमीटर, तो हर 500 किलोमीटर में जो है ना चेन लूप करते रहना चाहिए, बट मैं अभी चेन लूप किया नहीं हूँ, एक तो टाइम भी नहीं मिला है और ना मीन्स मेरे को दिमाग में भी नहीं आया कि चेन लूप करना भी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना चेन से ही आवाज़ आ रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है ना क्लच भी दबा रहा हूँ ना तो क्लच से थोड़ा सा ना मेरे को डाउट लग रहा है कि क्लच वायर शायद ढीला हो गया करके उसके वजह से भी आवाज़ आ सकता है। तो क्लच वायर जो है ना हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके रखो आप अपने पास भी, कोई भी आपके पास बाइक हो ना उसका जेन्युइन एक क्लच वायर एजेंसी में मतलब शोरूम में जाकर आप खरीद के रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होता है अगर बाई चांस क्लच वायर वगैरह टूट गया ना, आप खुद भी चेंज कर सकते हो, उतना ज़्यादा कुछ मतलब इसमें मैकेनिकल दिमाग नहीं लगेगा, मतलब आप अपने से भी चेंज वगैरह कर सकते हो क्लच वायर को। हम लोग सिलीगुड़ी जो है ना हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड सिलीगुड़ी घुसते ही ना बहुत बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख जाएंगे, मतलब प्रॉपर एक अच्छा शहर है सिलीगुड़ी, आप अगर कभी आए नहीं हो तो प्रॉपर सिलीगुड़ी भी आ सकते हो, बहुत मज़ा आएगा भाई सिलीगुड़ी में। अभी देख सकते हो ना यहाँ पूरे थोड़े से रोड जो है ना चौड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेन ना ये नेशनल हाईवे है एंड भाई रोड बहुत ही पतला था मेरे हिसाब से, तो अच्छा है इनको चौड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए साइड में भी जो है ना गिट्टी वगैरह डाल के रखे हैं। होप मेरे को ऐसा लगता है एक साल में बन भी जाएगा, जब भी आप अगली बार कभी भी आओ तो आपको रोड शायद मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि बना हुआ ही मिलेगा रोड, तो जो पूरा जो है ना रोड बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेरे जो लेफ्ट साइड वाला रोड है, एंड राइट साइड में भी जो है ना यहाँ पे भी काम वगैरह चल रहा है कि वहाँ भी रोड बनेगा। तो थोड़ा अब देखो सिलीगुड़ी जो है ना हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, सिलीगुड़ी जैसे ही क्रॉस करोगे ना आपको ना बहुत दूर तक ना एक एलिफेंट फॉरेस्ट मिलेगा, तो ये जो है ना एक एलिफेंट फॉरेस्ट है, एंड यहाँ पे ना जगह जगह पे आपको ना लिखा दिख जाएगा कि मतलब एलिफेंट क्रॉसिंग जोन करके, एंड और बहुत जगह पे ये भी मतलब हर 100 मीटर पे लिखा है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, एंड ना हर 100 मीटर पे आपको ये भी लिखा दिखेगा कि नो मतलब हॉर्न नहीं बजाने के लिए भी साइन दिया हुआ है। तो ये देखो भाई ये हम एंड हेलमेट बहुत ही ज़्यादा गंदा है मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि ना वो छोटे छोटे फ्लाइज उड़ उड़ के हेलमेट में चिपके हुए हैं,
तो जो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है ना वो अराउंड 10 या 15 किलोमीटर लंबा एकदम सीधा रोसा रोड है। एंड अभी हम लोग क्रॉस कर गए एंड ये जो है ना सिवोक वाला रोड स्टार्ट हो गया। एंड सिवोक में ही जैसे ही आप एंटर करने लगोगे ना, मतलब सिवोक वाला रोड स्टार्ट होगा, आपको बड़े बड़े पहाड़ वहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ का जो व्यू है ना, मतलब सिवोक एंटर करते आपको जो व्यू है ना बहुत तगड़े मिलने लगेंगे। अब जितना भी आपको व्यू दिखेगा ना, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ का दिखेगा व्यू, क्योंकि जो मतलब हम लोग गाड़ी चला भी रहे ना वो प्रॉपर पहाड़ में ही गाड़ी चला रहे हैं। एंड वो एकदम ना मतलब थोड़ा सा हल्का सा इंक्लाइन है, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, बट जो है ना इंक्लाइन सी मतलब चढ़ाई है हम लोग जो बाइक चला रहे हैं उसमें। बाकी जो घर वगैरह देखोगे ना वो प्रॉपर मतलब जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो होटल्स वगैरह ही बने हुए हैं। घर है लोगों के 50% जो है ना घर है एंड 50% जो है ना होटल वगैरह बने हुए हैं। एंड अभी कुछ टाइम पहले जो है ना सिक्किम में जो है आपको पता ही होगा फ्लड आया था, उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम लोग जो है ना सिवोक एंटर कर चुके हैं, अभी हम लोग को जाना है अब रोंगपो। तो रोंगपो जाने के टाइम में ना भाई एक बहुत बड़ा दिक्कत आ गया है, जो कि ना रोड जो है ना शायद कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके वजह से जो मतलब आर्मी के मतलब ऑफिसर्स लोग थे ना, उन लोग हम लोग को बोले कि ना ये मतलब साइड वाले एक अल्टरनेट रूट से जाओ, यहाँ से जाओगे यहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला रोड जो है ना प्रॉपर अभी बंद है। एंड पता नहीं क्यों बंद है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो ये ना एक अलग से अल्टरनेट रूट दिए जिसमें ना एकदम इंक्लाइन सी चढ़ाई है। एंड मैं इंक्लाइन मतलब कैसे बताऊँगी, एकदम ना 60 डिग्री इंक्लाइन है अराउंड। यहाँ पे भाई गाड़ी चलाने में ना बहुत दिक्कत हो रहा है, फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अब बाई चांस अगर आप सेकंड गियर में डालोगे ना, अगर गाड़ी बंद हो गई ना भाई, नीचे ढूलना चालू हो जाएगा गाड़ी। तो इसलिए ना मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट गियर में चढ़ाने का। एंड सामने जो है ना ट्रक से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख रहा हूँ। व्यू जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत लोग बोले कि ना इस रूट से जाओ आपको व्यू ना मतलब नीचे जो लोग अल्टरनेट रूट क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो बहुत सारे लोग जा भी रहे वापस, तो उन लोग बोल रहे हैं कि ना व्यू बहुत अच्छा है, बट ये वाला रूट थोड़ा सा ना लंबा है, क्योंकि ना वो जो था ना अल्टरनेट रूट रोंगपो जाने का वो अराउंड 30 किलोमीटर्स अराउंड बचा हुआ था, बट पता नहीं अभी ये कितना दूर जाएगा ये वाला रूट। गूगल मैप भी जो है ना वो गलत बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मेरे को तो। बट जो व्यू है ना बहुत ज़बरदस्त व्यू है, क्योंकि ना ये जो अल्टरनेट रूट है ना ये प्रॉपर एकदम पहाड़ में चढ़ाएगा आपको एकदम सबसे पहले, तो क्योंकि मतलब ये पहाड़ के ऊपर से ही एकदम निकाल रहा रास्ता। जितना भी जो है ना ये पूरा चढ़ाओ भाई इंक्लाइन है, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में चढ़ाना पड़ा है। कहीं कहीं पे जो है ना 45 डिग्री और एंड मैक्सिमम जगह पे जो है ना 60 डिग्री इंक्लाइन टाइप का ये पहाड़ पूरा। ये देखो आर्मी के स्टाफ वगैरह भी बैठे हुए हैं पूरा हेल्प करने के लिए। एंड ये कुछ लोग भी जा रहे हैं मेरे साथ, मतलब मेरे साथ तो नहीं जा रहे हैं, अलग से ही जा रहे हैं, तो इन लोग भी शायद ना मतलब सिक्किम ही जा रहे हैं। व्यू बहुत ही अच्छा है, व्यू बहुत ही अच्छा है, व्यू के लिए तो भाई मैं बोलूँगा 100 on 100 है एक टाइप से। तो ये देखो भाई, एक देखो मैजिक, ये जो हम लोग 60 डिग्री इंक्लाइन कर रहे थे ना वहाँ, उसको भाई चढ़ते चढ़ते ना भाई एकदम अराउंड 5-6 किलोमीटर चलाए होंगे एंड एकदम देखो टॉप पे पहुँच गए पहाड़ के। इसके ऊपर आपको कोई भी पहाड़ नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे ही ना हम लोग को शायद 3 पहाड़ क्रॉस करना है, क्योंकि नीचे जो आर्मी वाले स्टाफ थे ना बता रहे थे आपको 3 पहाड़ जो है ना क्रॉस करके जाना पड़ेगा। एंड अभी जो है ना थोड़ा सा ना सूरज भी ढलने लगा है, तो फिर ना मतलब अंदर से ना थोड़ा वो होने लगा है कि निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। बाकी देख सकते हो ना कितना अच्छा मतलब नेचर का व्यू दिख रहा होगा आपको। बाइक में अभी ना जो है ना पेट्रोल कम है एंड इस रूट में ना कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा ना इस जगह पर आने के बाद ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ना गूगल मैप यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एंड रूट भी डालोगे ना तो प्रॉपर दिखा रहा है कि यू टर्न मार के जाओ ऐसा बता रहा है, क्योंकि ये जो रूट है ना गूगल मैप पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, इसी वजह से भी ना जो रूट है ना गूगल मैप पे भी दिखा नहीं रहा है। एंड जितने लोग भी आ रहे हैं ना वो भी ना मतलब ये मतलब ऊपर से ही आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ना कि आर्मी स्टाफ वाले लोग उधर से भी उनको बोल रहे होंगे कि आप भी ऊपर से ही जाओ, नीचे जो है ना रोड वगैरह क्लोज्ड है। एंड आपको पूरे टूरिस्ट वाले जो भी गाड़ी दिख रहे हैं ना वो भी सब इधर से ही जा रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा गाड़ी नहीं दिख रहे हैं, थोड़े कम ही गाड़ी दिख रहे हैं, पता नहीं शायद मेरे ख्याल से उनको पता होगा कि किस टाइम खुला रहता है, तो उन लोग ना सुबह सुबह शायद चले गए। एंड अभी जो है ना टूरिस्ट का गाड़ी भी नहीं दिख रहा है। एंड मैक्सिमम दिक्कत एक और चीज़ हो रहा है, क्योंकि गूगल मैप जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर ना मेरे को रूट भी समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाऊँ, क्योंकि ना बहुत जगह जो ऐसा आ रहा है ना कि 2-3 जगह पे रोड मतलब कट रहा है, कहीं पे साइन बोर्ड वगैरह नहीं दिया। देखो यहाँ पे भी देखो 2 जगह रोड कटा हुआ है, तो फिर ना कहीं कहीं भी मेरे को अंदाज़ा से जाना पड़ रहा है कि शायद इधर जाएंगे करके, फिर आगे जाके कोई अगर दिख रहा है तो मेरे को मैं पूछ ले रहा हूँ कि किधर जाना है, तो वो मेरे को बता रहे हैं फिर इसी रोड में जाओ ये वगैरह वगैरह। तो ये भी चीज़ का थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ना मतलब ये जो है ना एकदम शाम का टाइम हो गया है एंड यहाँ पे कोई भी मतलब बहुत ही छोटे छोटे जगह में कहीं कहीं पे घर है भाई, एकदम पूरे हर जगह पे घर नहीं है। सिक्किम ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है।
एक तो शाम भी होने वाला है एंड ना पेट्रोल की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है, क्योंकि ना खाली दो ही डंडी दिखा रहा है, वो भी ना इंक्लाइन चढ़ रहे हैं तो करके दिखा रहा है, वरना क्या पता भाई पेट्रोल भी मेरे ख्याल से कम है। एंड जेरी कैन वगैरह में भी ना रखे हुए थे, क्योंकि उस चीज़ के लिए मतलब मैं प्रिपेयर नहीं था कि ना ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा, तो एकदम ना टेंशन सा हो गया। एंड रास्ता भी इधर उधर कटे जा रहा है, तो एक तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है किधर जाऊँ। एक जगह तो भाई मैं 12 किलोमीटर वापस घूम के आया यू टर्न मार के, क्योंकि मैं गलत चला गया था, तो इसलिए भी ना एकदम अंदर से ना बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। एंड यहाँ पे ना पहाड़ में 1% मतलब नेटवर्क ही नहीं है भाई, कि मतलब मैं घर वाले कॉल करूँ या क्या पता मेरे को शायद उन लोग कॉल कर रहे होंगे, तो इस चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा भी टेंशन सा लगने लगा है। तो एक्चुअली बार बार जो है ना मैं जहाँ से बाइक परमिट बनवाया हूँ वो भी कॉल कर रहे हैं, वो जो है ना होम स्टे भी प्रोवाइड करते हैं इसी वजह से भी, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए बार बार ना मेरे से हाल चाल पूछ रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन कर करके। तो अभी सबसे ज़्यादा जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि ना तीस्ता बाज़ार जो है ना अब आ चुका है। मैं बहुत टाइम से इसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले मैं रुका हुआ था ना वहाँ पर, मैं एक शॉप में पूछा हूँ तीस्ता बाज़ार कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तीस्ता बाज़ार 2 किलोमीटर के बाद है। तो जैसे कि देख सकते हो तीस्ता बाज़ार जो है ना ये आ चुका है। एक्चुअली जो तीस्ता बाज़ार जो नाम पड़ा है ना वो बाजू में एक रिवर फ्लो होती है जो पूरा प्रॉपर सिक्किम को कवर करती है, वो जो है ना तीस्ता रिवर है, उसी से बेस्ड है ये तीस्ता बाज़ार जो विलेज है। तो जो तीस्ता बाज़ार है ना अब यहाँ पे आ चुके हैं, अब देख सकते हो काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे, लाइट वगैरह प्रॉपर दिख जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर गांव टाइप का है। एंड अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ना अब मैं भी अब थोड़ा सा ना मतलब मेरे को भी एकदम मन में शांति मिला कि अब तीस्ता बाज़ार जो है ना पहुँच चुका हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब आएगा तीस्ता बाज़ार। एंड मैं अभी पीछे ही पूछा हूँ कि अब रोंगपो मतलब यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि आगे जाके एक ब्रिज आएगा कटेगा, वहाँ से आप जाओगे तो आपको रोंगपो भी मिल जाएगा, तो एकदम सीधा मिलता है अब रोंगपो पे। ये जो देख रहे हो ये है रोंगपो का ब्रिज, एंड यहाँ से जो सिंगथम दिखा रहा है अराउंड 12 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आगे जाके रुकते हैं, डालते हैं मंगन का लोकेशन कि मंगन अब कितना किलोमीटर बचा है। एंड आज जो है ना भाई प्रॉपर मंगन ही जाएंगे, क्योंकि मंगन जाके स्टे करेंगे। एंड वहाँ से जो जहाँ से मैं बाइक परमिट बनाया हूँ ना वो भी बार बार कॉल करके बोल रहा है आप आ जाओ हमारे यहाँ रुकना एंड कल सुबह ही निकलना, क्योंकि लाचुंग जाना अभी पॉसिबल नहीं है, इतने रात को बहुत ही रिस्क वाली बात हो जाएगी। तो अभी जो है ना सीधा चलते हैं मंगन। एंड मंगन पे जाते टाइम ना भाई मैं पेट्रोल वगैरह भी जो है ना बाइक में डलवा लेता हूँ, क्योंकि बीच में फिर पता नहीं भाई कब आएगा पेट्रोल, क्योंकि आपको पता है अभी मैं एक बार भी अभी पेट्रोल जो है ना मैं रिफ़िल नहीं किया हूँ जो वहाँ से उतरा हूँ मैं एक बार भी, है ना। तो चलते हैं सीधा चलते हैं पेट्रोल पम्प, डलवाते हैं पेट्रोल। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ना पेट्रोल डलवा लिया हूँ, फुल टैंक करवा लिया हूँ एकदम से, क्योंकि ना पता नहीं फिर बाद में कब पेट्रोल डलाने का मौका मिले ना मिले। तो पेट्रोल डलाते हैं एंड थोड़ा सा ना भाई फ्रेश होते हैं, अब जस्ट निकलते हैं। तो यहाँ से जो है ना मंगन दिखा रहा है वो है अराउंड 50 किलोमीटर, एंड टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 आवर एंड 57 मिनट्स। एंड अभी जो टाइम हो रहा है अराउंड 7:30, तो हम लोग को पहुँचने में अराउंड बच जाएगा वही 9:30 के आसपास। तो जल्दी से चलते हैं एंड जितना हो सके जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। रोड जो है ना वो भी बहुत ठीक है, बीच बीच में अगर कहीं कहीं पे पैच जो है ना वो ख़राब है, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा रोड ख़राब नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में जब आओगे ना थोड़ा सा ऐसा रोड आपको ख़राब मिलेगा ही, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। गाड़ी जो है ना भाई बहुत ही अच्छे से चल रहा है, गाड़ी में भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आ रही है। क्लच का जो बता रहा था ना थोड़ा थोड़ा अभी बीच में इशू हो रहा है, वो जाके भी हम लोग देखेंगे ठीक वगैरह करेंगे कि नहीं। एंड जाके जहाँ आप रुकेंगे ना वो है वोंगडैम कार्डिमम होमस्टे करके, उसका भी जो मैं मतलब लिंक वगैरह है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, आप भी जाके वहाँ पे आप अपना भी बाइक परमिट या फिर आप होमस्टे वगैरह ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। एंड अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे को यहाँ पे कुछ बाइकर्स लोग मिल गए थे जो कि वेस्ट बंगाल से आ रहे थे कलकत्ता से, तो उनसे मैं बोला कि चलो भाई आपका भी कुछ प्लान वगैरह बताओ कहाँ कहाँ जाओगे, तो उनसे भी मैं कोऑर्डिनेट करके ना भाई उनके साथ जा रहा हूँ। बट पता नहीं कल अभी उनके साथ मिलना हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनका जो है ना होटल दूसरा है एंड मैं उनसे जो है ना नंबर लेना भी भूल गया हूँ। तो अराउंड हम लोग पहुँच ही चुके हैं, अब ज़्यादा किलोमीटर बचा नहीं, अराउंड 6-7 किलोमीटर बचा हुआ है मंगन पहुँचने में। भाई फाइनली जो है ना मंगन पहुंच गए, एंड पहुंचते पहुंचते अराउंड 11:40 हो गया,
सॉरी 10:40 हो गए एंड भाई रूम वगैरह बहुत सही है एंड मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ किस टाइप का। पहले तो रूम टूर तो बाद में कराऊंगा, सबसे फर्स्ट ना ये देखो, ये इनका डाइनिंग एरिया है। इन्होंने ऐसा टाइप से पूरा मेरे लिए डिनर को अरेंज करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे सब ऐसे ही खाते हैं एंड देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो कहीं भी बैठ के खा सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उन्होंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। लेट हो गया था मुझे आने में, तो ये रुके हुए थे यहाँ के जो ओनर है, तो जल्दी से ना लेट नहीं करके डिनर करते हैं। देखो भाई ये है डिनर, दाल, चिकन, आलू फ्राई एंड चावल। भाई इससे बेस्ट डिनर कुछ नहीं हो सकता, मेरा फेवरेट। तो जल्दी से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत काम है, फाइल्स वगैरह कॉपी करनी है, करके मैं सीधा जाऊंगा भाई सोने, बहुत थक चुका हूँ। एंड तो भाई देखे डिनर क्या क्या था एंड मैं डिनर खा ली हूँ एंड अब थोड़ा सा ना फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि मतलब ना एकदम से ना मतलब हाथ पाँव कांप रहे थे, बहुत टाइम से तो खाया भी नहीं था, पानी भी बहुत टाइम से नहीं पिया हुआ था। एंड ना फिर खा के ना दो ठो पैरासीटामोल होता है 125 mg वाला, तो दो ठो खा लिया हूँ ताकि सुबह जब उठूँ तो एकदम फ्रेश फील हो, ठीक है। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप देखे ही होगे भाई सफ़र कैसा गया। एंड तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो भाई बिल्कुल से बिल्कुल दबा के लाइक कर देना एंड भाई चैनल को सपोर्ट करना, मतलब चैनल सपोर्ट करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड नीचे ना भाई कमेंट करना, जो कुछ मन करे वो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आगे वाली आने वाली जो भी सीरीज़ है उसको भी देखना, अगर ये मतलब सेकेंड एपिसोड अपलोड होने के बाद देख रहे हो तो आने वाली सीरीज़ को देखना, और अगर कुछ टाइम बाद देख रहे हो ना तो पूरा सीरीज़ अपलोड हो गया होगा, बिल्कुल से बिल्कुल देखना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।